press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल एम। मैं चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके शाओमी मोबाइल में ब्लूटूथ ठीक से वर्क नहीं कर रहा है तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि ब्लूटूथ की सभी प्रॉब्लम्स को फिक्स कैसे करें। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करना है और इसके बाद सेंटर में कनेक्शन एंड शेयरिंग वाले ऑप्शन पर टैप करना है। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो इस पेज के लास्ट पर जाना है और लास्ट में आपको रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर जाने के बाद आप अपने मोबाइल के सभी नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर सकते हैं, जहां पर आपको वाईफाई मोबाइल डाटा और ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाएगा। और दोस्तों, नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए आपको सेंटर में अपने दोनों सिम कार्ड्स मिल जाएंगे। आप अपने किसी भी सिम कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने जियो सिम कार्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद नीचे की तरफ रीसेट सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर टैप करना है और अपने मोबाइल के पासवर्ड को एंटर कर देना है, जिसके बाद आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। तो आपको सिंपली ओके वाले ऑप्शन पर टैप करना है। तो यह प्रोसेस करने के बाद आपके शाओमी मोबाइल के नेटवर्क सेटिंग रीसेट हो जाएगी। तो इसके बाद चलते हैं ब्लूटूथ में और आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट करके भी दिखा देता हूँ। तो इसी तरह आप भी अपने किसी भी शाओमी मोबाइल में ब्लूटूथ की प्रॉब्लम को ईजीली फिक्स कर सकते हैं।